तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दरअसल आज हम लोगों को फूआ के यहाँ फूआ की बेटी का जो बाल पहला बार छिलाता है ना, माना हुआ रहता है, तो वही गांव में है। तो आज हम लोग को वहीं पे जाना है। आप लोग देख सकते हैं, हम अभी ही सो के उठे हैं। किसने बोला था? ले 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 ले। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है। सुबह का 4:10 हो रहा है। आप लोग जानते हैं हम इतना जल्दी नहीं उठते, पर आज हमको जाना है चार चक्का से, इसलिए आज उठना पड़ा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए, आज एकदम आप लोगों को एक अच्छा ब्लॉग हम देने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अभी हम जल्दी से उठे हैं तो फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं। देख सकते हैं 1 लीटर बोतल लाए हैं। अब बेशक सीधा सा बात है कि ये माइक तो हम हमेशा लेके नहीं घूमेंगे, क्योंकि मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता है कि हम ब्लॉगिंग करें। ठीक है, तो हो सकता है कहीं आवाज़ का दिक्कत हो जाए, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे। बस बाथरूम कर लिए, हम सोचे थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि 4:45 हो रहा है, तो इतना जल्दी उठेंगे तो वर्कआउट भी हो जाना चाहिए ना थोड़ा सा, तो वर्कआउट कर लेते हैं। ओके, बस वर्कआउट हो गया, लाइन कट गए हैं, अब नहा के आते हैं और फिर देखते हैं गाड़ी आया कि नहीं। तो बता दें, हम छत पे आ गए हैं, ब्रश व्रश तो कर ही लिए थे, अब अभी तक गाड़ी उड़ी नहीं आया है, और अब हम नहाने जा रहे हैं। ठीक है, ताकि गाड़ी आएगा तो फटक से निकल जाएंगे। देखिए, बारिश की वजह से सब पूरा पानी भर गया है। ठीक है, तो मुंडन है बताए ना कि आप लोग, तो देख सकते हैं नहा के आ गए हैं, बस तैयार होंगे और चलेंगे। देखिए, ये भी गिर गया था दोस्तों। तो अभी हम तैयार वैयार होके आ गए हैं, बस शर्ट पहनना बाकी है, ये पैंट पहन ली है। और दिखा बता देता हम लोग का गाड़ी जो है, गाड़ी आया कि नहीं? आ गया है। देखिए, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ से, ये जो स्कॉर्पियो है ना, इसी में हम लोग बैठ के जाएंगे। तो हम जाते तैयार हो जाते हैं, नहीं तो सब चीज़ आने लगेगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो देख सकते हैं तैयार हो गए हैं, बस अब मोजा पहनेंगे, जूता पहनेंगे और चलेंगे। हो सकता है गाड़ी में हम नहीं बोले, क्योंकि गाड़ी में बहुत लोग रहते हैं, तो बोलना थोड़ा जायज़ नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बहुत फेमस ब्लॉगर नहीं बने हैं, कोई पैसा वैसा आना स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए अभी करते हैं ना तो सबको ख़राब लगता है। लेकिन एक बार आप लोगों के फजल से, गॉड के, आप लोगों की दुआ से, गॉड के फजल से एक बार पैसा आने लगेगा ना, सबको सब दाल भात हो जाएगा, मतलब सब मिल जाएगा हमसे। हाँ भाई, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। उम्मीद है आप लोगों की दुआ हम लोग यहाँ पे जल्दी ही लगेगी। ठीक है, साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। ओके, ऐसे मेरा जूता, आप लोगों के दुआ से, गॉड के फजल से एक दिन आप लोगों के सामने स्टार बन के जरूर आएंगे, इस बात की उम्मीद है हमको। और बताइए आप, चलिए चले। ओके, तो देख सकते हैं हम आ गए हैं बाहर घर के, बाल बाल भी अच्छे से सड़ी हुए किए हुए हैं, और यही गाड़ी है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाते हैं, चलते हैं। को सबमिट नहीं हुआ तो 5 नंबर काट लेंगे फर्स्ट। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग सफर पे निकल रहे हैं, बच्ची खड़ी है ना वहां पे जाके, मतलब उसको स्कूल कहीं देना है, खड़ी है तो वही वही पर कॉपी है, और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। हो सकता है आप लोग वो दिख भी जाए। शीशा कहां? शीशा चलो ना, पहले पार्क में।
देख सकते हैं गाड़ी में नहीं जाता है, दुनिया की दिल्ली में अंतर भी जाता है। स्कूल नहीं जाना है क्या? बड़ा जैम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, देख ही सकते हैं आप सामने में यही लड़की तुम लोग को कॉपी देने हैं। और देखिए तो है, और ये दादा को ले ले बहन दे दिए पीछे वाला डाउन कीजिएगा झाजी। यहाँ पे गुड़िया का काम खत्म हो गया और अब हम लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं पुआ के घर तक जाने। तो बता दें कि बहुत देर तक हम लोग गाड़ी चलने के बाद सबको टॉयलेट लग गया था, सब टॉयलेट करने के लिए निकल आए, तो हम भी बाहर निकल आए कि खेत देखे, खेत कितना अच्छा। फिर वापस हम लोग गाड़ी में बैठ के अब हम लोग चलने वाले हैं वापस जगह की तरफ। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं फुआ के, और देख सकते हैं यही फुआ का घर है। थोड़ा गाँव टाइप का है, फुल्हारा देहात में है तो गाँव टाइप का होगा। ये आरू बहुत खुश है, नंदी बहुत खुश है आने के वजह से, क्योंकि नंदी लोग पहले ही दो दिन पहले ही आ गई थी यहाँ पे, हम लोग दो दिन बाद आए हैं, इसलिए आर नंदी देख के ज़्यादा खुश है। और देख सकते हैं कुर्सी उर्सी इधर उधर पड़ा हुआ है, और शहर का कुछ अच्छा नहीं लग रहा है गांव में आके। ये मम्मी है मेरी, ज़रूरत से ज़्यादा खुश है सब, लेकिन हम तो नहीं है क्योंकि हमको गाँव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जाना है मुझे, घर जाना है। फिर भी देख रहे हैं हम कोई के कलाकारी था। शादी के बाद ही आ गया था। अरे ये देख सकते हैं मेरी बहन जो है जानू के साथ खेल रही है, हम भी वो चिपक के फोटो खिंचवा लिए हैं और देख ही सकते हैं। हाय हाय, इतना सुकून। आप लोगों को बता दें कि अब हम दूसरे रूम में आ गए हैं। ये दूसरे मतलब फुआ के फूफा जी के पटीदार का ही, फूफा जी के पप्पा जी का भाई का घर है। ये देख सकते हैं यहाँ पे टीवी चल रहा है, टीवी पे एक न्यूज़ एंकर कुछ बोल रही है, ये बूढ़े इंसान कुछ सुन रहे हैं और क्या बताएं। और मेरा ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा बस दिमाग का दही हो रहा है, इसलिए हम बाहर चले आए घूमने के लिए कि गांव का तुमका नज़ारिया तो देखें। ये देखें हमारे पप्पा जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा था। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड ख़राब कर दिया। यहाँ देखा जाए तो फुआ का घर तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गॉड पता नहीं क्या यहाँ पे किए हुए। हम तो ये सोच रहे थे यहाँ गॉड हमको भेजे क्यों। देखिए ये मेरी छोटी बहन है प्यारी सी, और यहाँ पे हम वापस घर पे आ गए हैं दूसरे के, और यहाँ पे गीत गान का कार्यक्रम चालू है। देख सकते हैं कलाकार, गांव के देहाती कलाकार सब आए हुए हैं, क्या बताएं। तो बता दें ये बहुत बकवास जगह है, यहाँ पे आते हैं अगर हम वहाँ ज़्यादा रहते ना तो हम पागल हो जाते, इसलिए हम दूसरे रूम में टीवी देखने के लिए चले हैं कि कम से कम यहाँ तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा।
लेकिन सुकून लगता है गॉड यहाँ पे भी हमको नसीब नहीं किया था, ये सब चार को बच्चा आ गया, चार को बच्चा जहाँ पे रहे वहाँ पे सुकून हो सकता है भला। देख सकते हैं टांगे टांग हो गया, फिर भी हम टाइम पास करने के लिए बैठ गए हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे थोड़ी ही देर बाद हम लोगों को खाने का निमंत्रण मिलने वाला है, बोले कि आ रहे हैं तो खाना खिलाएंगे, पता नहीं कब आएंगे वो। खाना तो देख ही सकते हैं यहीं कठौती में रखा है खाना, तो मैं काहे आए यहाँ पे गॉड समझ में नहीं आता है, मेरा माथा खराब हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे खाना खिला भी रहा है तो एकदम पूरा बैठा के पिल्थी मार के बैठा के खिलाएगा, वो भी इन बुजुर्गों के साथ। हे भगवान, खाना खा लिए तो मेरी बहन भी सो गई, हम भी सो गए, अब सोचे थोड़ा टीवी देख लें टाइम पास हो जाएगा। रूम में टीवी था, ये तो उनका गॉड मेरे लिए अच्छा किए हुए थे। नहीं तो भाउजियों का केस करवा जाए गई कपड़ा में लग गया, कपड़ा में लग गया, मेरे बर्दाश्त के फाजिल हो रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा वहाँ से उठ के चले। टीवी देखेंगे या फिर कई बार मेरा बर्दाश्त नहीं, काम करने वाला बात ये है कि यहाँ पर देखिए गाँव का लोग सबसे घर कितना नहीं करता, अजीब तो नहीं पर ठीक गाड़ी ये हम लोग का गाड़ी यहाँ पर लगा हुआ है, और हम देखिए यहाँ पर स्पीड में स्पीड फॉरवर्ड कर दी है आप लोगों ठीक से कुछ देखिए ठीक से ऐसे नहीं। तो देखिए गाय का गोबर लगा हुआ है, बहुत आगे आ गए हैं कैबले करने। देख सकते हैं वहाँ पे कितना बड़ा खाली ज़मीन है, मतलब घर सबके बाद इतना बड़ा खाली ज़मीन पहला बार मज़ा आ गया। ये देखिए गाय लगा हुआ है और हम लोग ज़मीन बांट रहे हैं, गांव कितना बड़ा है यार सही में। और देखिए हम यहाँ पे आ गए, पप्पा भी है मेरे, मोनू भाई भी है, हम भी हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए आगे मोनू भाई मेरा है, अच्छा कितना। और बहुत देर घूमने के बाद हम लोग सोचे कि थोड़ा वापस आ जाया जाए, तो देखें यहाँ प्रसाद बटा रहा है हम लोगों का और हम लोगों को छोटे बाकी सब लोग खा रहा है, तो चलो हम लोग भी चल के ले ही लेते प्रसाद। तो हम भी प्रसाद ले लिए, इसमें केला है और वो दूध है और कुछ नहीं, तो अच्छा है। इसलिए ये मेरी बहन का बाल छिला चुका है और ये पंडित जी बैठे हुए हैं और ये आंटी जी सब हैं, तो ठीक है सब बेहतर है।